व्यूअर्स के बाद ये बात शेयर करना चाह रहा था क्योंकि एक छोटी सी जगह है मेरी टीम के पास आज जो पेन था खौफ की वजह है। यहाँ आते ही खौफ क्यों आ रहा है, दो रीज़न है। एक तो ये आत्मा का लफ्ज़ बहुत से लोगों ने सुना होगा, रूह जिसको बोलते हैं, और दूसरे लफ्ज़ में आत्मा बोला जाता है। इस घर के अंदर एक किसी की लाश दफन है और जिसकी लाश दफन है उसकी रूह यहाँ पे फिरती है इस घर के अंदर, ऐसे है ना, उसकी रूह यहाँ पे फिरती है जिसकी वजह से ये है। जब से उन्होंने ये तकसीम किया ना उसके बाद यहाँ कोई नहीं रह सका। क्या हुआ? ऊपर छत की तरह दिखाया उन्होंने, हमें मना किया था छत किससे जरा दूर ही रहेंगे कहीं गिर ना जाए। तो एक तो खौफ ये है कि जिनकी लाश यहाँ पे दफन है, इनको कत्ल किया गया था, इनका मर्डर किया गया था, उनकी लाश एक यहाँ पे है और उनकी रूप बेचैन आत्मा इस घर के अंदर बहुत दफा दिखाई गई है। डर मेरी टीम को क्या है, बहुत से डेंजरस प्रोग्राम कर चुके हैं। फराज इतना ज़्यादा प्रोग्राम नहीं कर सका, जावेद मेरे साथ बहुत ज़्यादा रहा है, वो उसको मैं संभाल भी गया हूँ। फराज को मैं मजाक भी कर रहा था, नीचे डर रहा था, मैं उस लोकेशन पर खड़ा हूँ, तो बाद में सीरियस आपको बताने पर मजबूर हूँ। वहाँ तो मैं इसको इसलिए हंस खेल रहा था, मजाक कर रहा था, इसको ऊपर किस तरीके ले आऊँ, क्योंकि मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड नहीं कर सकता। मुझे पता आप लोग इंतज़ार करते हैं इस प्रोग्राम का। माहौल वाकई मुझे भी महसूस हो रहा है, ये सच है कि मैं मजाक भी कर रहा हूँ, इनको रिलैक्स कर रहा हूँ, लेकिन माहौल है जैसे यहाँ पर चलने की आवाज़ हमने सुनी है थोड़ी देर पहले। खौफ ये है, हमारे भागने का रास्ता नहीं है। जो फराज बहुत ज़्यादा डरा हुआ है ये है कि अगर हमें कुछ हो भी जाता है हम भागेंगे कैसे। बहुत डेंजरस रास्ता है सीढ़ी, और उसके अलावा एक छोटा सा दरवाज़ा जहाँ से हम गुजरते हैं। इस खौफ की वजह से हम ज़्यादा प्रोग्राम रुक नहीं पा रहे। मैं रुकने को तैयार हूँ, रहील भी मान के, जावेद भी मान जाता है, फराज रुकने को तैयार नहीं है। सो हम यहाँ रह के कुछ देर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और देखते हैं क्या है, किस चीज़ का खौफ है, क्या वाकई। फिर आवाज आई है, नॉक करने की तरह आवाज है, वार्न किया जा रहा है, वार्न किया जा रहा है। ये देखें, वार्न किया जा रहा है, मैं कह रहा हूँ भाई, वार्न किया जा रहा है, हमें वार्न किया जा रहा है, मैं यही कहूँगा। अच्छा, ये देखें कैमरा दिखाएगा, रोंगटे इस वक्त हमारे खड़े हो चुके हैं, ये रोंगटे खड़े हो चुके हैं। आवाज आई है, यहाँ पे एक हुआ है माहौल और कैफियत सरसराइयत वाली यहाँ पे है, और ये सच है कि यहाँ पे, लेकिन वो नुकसान किसी को नहीं पहुँचा रहा। लेकिन वो कहते रहने किसी को नहीं देते। वो भी तो एक कमरा ही है, जो चीज यहाँ बसेरा करके, जिस चीज का यहाँ पे बसेरा है वो वहाँ पे भी है, वो यहाँ पे भी है, उसकी मूवमेंट है। आओ फराज, फराज को आगे आने दो, फिर आप पीछे वो नहीं जा सकेगा। ध्यान से मदर भाई, उस वक्त जब मैंने ये दरवाजा खोला था तो ये खिड़की थी जिसके डज की आवाज आई थी और हम लोग पीछे हटने पे मजबूर हो गए थे। ऐसे हो रहा था, रहील और मैं आगे थे, हमने ये खिड़की की आवाज सुनी जो कैमरे ने भी रिकॉर्ड की, और ये खिड़की खुली थी और इसकी डज की आवाज आई थी। और उसके बाद मैंने कैमरा जल्दी जावेद से पकड़ा था, जावेद आगे आने को क्या नहीं था, फराज वैसे ही डरा हुआ था, तो मैंने जल्दी जावेद से कैमरा पकड़ा था और रहील ने देखा था जो कुछ भी था। मैंने इस टेबल पे चढ़ के देखा था, मुझे ऐसे लगा आप पहले मेरे सामने टेबल पे चढ़े और एकदम आप मैं उतर गया और उतर गए हो, क्या देखा? कोई सफेद सी चीज थी लंबी, सफेद सी चीज थी बिल्कुल लंबी, और वो इस तरह मुझे हाथ नजर आया, फेस नजर नहीं आया उसका, क्या था क्या नहीं था, लेकिन हाथ यूं क्लियर नजर आया कि ये हाथ थे उसके। क्या उसका वजूद था या वो केवल था? वजूद था। ये
इसके अंदर जैसे लेटा पड़ा सुकून से, जैसे कोई आता है तो उसने खिड़की खोल के देखी है कोई आया है। इस कमरे में हमारे अलावा कोई भी नहीं है। इस कमरे में हमारे अलावा आगे की तरफ आ जाओ, पीछे ना हटो, ऐसे नुकसान उठाएंगे। आगे की तरफ आ जाओ, इस साइड हम नुकसान उठाएंगे, हम नुकसान उठा लेंगे। आगे की तरफ आ जाओ, नुकसान उठा लेंगे। हमारा मकसद नुकसान, मैं कह रहा हूँ नुकसान उठा लेंगे, हमारा मकसद नुकसान लेना नहीं है। मुसलसल मुसलसल हमारे सराउंडिंग में आवाजें आ रही हैं। रिलैक्स रिलैक्स, हमारे सराउंडिंग में मुसलसल आवाजें आई हैं। जावेद नहीं, अच्छा इट्स ओके, रिलैक्स रिलैक्स। नहीं ये फिर हम महफूज हैं, यहाँ सेफ खड़े हैं, उस साइड पे हम नहीं जाएंगे अभी फिलहाल, इस तरीके नहीं। रिलैक्स रिलैक्स नहीं शामिल, रिलैक्स नहीं। मुझे अगर हम आया था अभी ऐसे जाएंगे तो महसूस हुआ है जिस पे आप बह रहे हो, मुझे भी, बल्कि ये माइक में आया जो अभी कुछ हुआ था, ये जो अभी हुआ है, अगर हम इस तरह जाएंगे तो हमें ज्यादा नुकसान होगा। नॉर्मल रिलैक्स, ऐसे नहीं हम भागेंगे, भागने वाली कंडीशन नहीं करनी। भागेंगे तो आप निकल नहीं सकोगे, आपकी वजह से मैं परेशान हूँ। आप हार्ट बीट उस वक्त मैंने आपकी देखी, हार्ट बीट पागलों की तरह हुई हुई थी। जो चीज भी है यहाँ पे, हमारा मकसद आपको तंग करना नहीं है, नहीं मैं आपसे कोई इशारा मांगने लगा हूँ। हम लोग यहाँ सिर्फ आपकी मौजूदगी के एहसास के लिए आए थे। आप और इस छत के बारे में उन्होंने कहा कि ये किसी को गिर सकती है, इसका बहुत सी चीजें गिर चुकी है।